वक्त मूसलाधार मी बरस रहा है, इस बारिश का फसलों को फायदा होगा या नुकसान? जी, बारिश का कभी भी फसलों को नुकसान नहीं होता। पाकिस्तान की जियोग्राफी है 22.5 करोड़ एकड़। अब अगर पानी हम पंप करें 1-3 इंच तो तकरीबन 1,000 रुपये एकड़ का लगता है। सो इसका मतलब है कि अगर एक जो बारिश है 3 इंच की पूरे पाकिस्तान में हो तो ये 220 अरब रुपये की बारिश। सो वो पूरे आपके सिस्टम को, जैसे या एनवायरनमेंट को वो या क्लाइमेट को कंट्रीब्यूट करता है। सैलाब में भी जब आता है तो सैलाब में कभी भी पाकिस्तान में 2-3.5 लाख एकड़ 4 लाख एकड़ से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन उसका फ़ायदा जो है बेसिकली बारिश का मतलब 20-22 करोड़ एकड़ को होता है। लिहाजा ये बारिश जो है ये बड़े टाइमली है, इसका फ़ायदा है। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मैंने जब रिपोर्ट की कि हमारे डैम भर गए हैं तो ही वाज़ वेरी हैप्पी। सो आप कह लें कि इस पानी को कितना अच्छी तरह हमने कन्वर्ट करना है आगे खुराक में, ये आगे हमारा काम है। इमाम साहब, आपकी जो कंपनी है उसका सालाना टर्नओवर कितना है और पाकिस्तान की वो कितनी बड़ी कंपनी है, और क्या अब आप उसके मामलात से अलहदा हैं SAPM बनने के बाद, या अभी भी आप ही देखते हैं? नहीं जी, मैं उसे नहीं देख सकता, मैं मुमकिन नहीं है। मैं बड़ा फुल टाइम इसको देख रहा हूँ। बाकी कंपनी जो है उसका टर्नओवर एनुअल तकरीबन है कुछ 6 अरब रुपये के लगभग। तो इसका शेयर जो है मार्केट में ये कोई ऑलमोस्ट को 8-10% है। मतलब जो पाकिस्तान की टॉप 5 कंपनीज हैं उनमें से उसका जिक्र है। उसमें खाद बना रही है, सीड है और पेस्टिसाइड्स हैं। मेरे पास कोई ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा लोग हैं जी, जो PhD हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, MSc हैं, या आप कह लें बिज़नेस ग्रेजुएट हैं। तो वो ही देखते हैं जी। ऑलमोस्ट को इस वक्त लोगों का 20-25 साल एक्सपीरियंस है। सो दे डोंट नीड मी। आपकी महाना आमदनी कितनी हो जाती है और क्या SAPM की तनख्वाह और मराहत क्या क्या है? मेरी महाना आमदन जो है वो तो नहीं है जी, कि साल में प्रॉफिट होता है। अच्छे वक्तों में ज़्यादा हो जाता है, बुरे वक्तों में लॉस भी हो जाता है। तो 2018 के इलेक्शन में और 19 में नुकसान हुआ है जी हमें। तो पहले प्रॉफिट होता है, अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, कोई ऑलमोस्ट को 300-500 मिलियन सालाना हो जाता था पहले, अब तो लॉस हुआ है 2 साल। तो बाकी SAPM तो सारे जो कह लें कि 1,80,000 तनख्वाह है, वो एक एजाज़ है बेसिकली। आप कह लें कि वो कहीं ना कहीं यू कैन से कि आपको यकीन होता है कि आप गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ यू कैन टेक दैट। और आगे खर्च कहाँ करना है आपने, वो मतलब ज़ाहिर है मैं फिलंथ्रेपिस्ट हूँ, सपोर्ट करते हैं लोगों को, वो भी उसी सपोर्ट में जाएगा। बागबानपुरा बाजार आए, साबक MNA मियाँ उमर हयात के बेटे मियाँ खिजर हयात ने इस्तकबाल किया। बागबानपुरा बाजार से गुजर कर मियाँ खिजर हयात के घर पहुंचे। इनके एजाज में पुरतकल्लफ जोराने का एहतमाम किया गया। जोराने में PTI की मकामी क्यादत को भी मदऊ किया गया। ग्रुप फोटो बनाई,